अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू बियर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से हम, जिसमें हम लोग डिफरेंट वीलॉग्स बनाएंगे। वीलॉग्स का मकसद ये है कि लोग देख सकें कि हम लोगों की डेली रूटीन क्या है, हम लोग किस चीज़ से क्या क्या काम है जो मैनेज करते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डेली रूटीन के ऊपर करते हैं। बट डेली वीलॉग नहीं है, जब हम फार्म विजिट कर रहे होंगे या कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड या ई कॉमर्स, बिकॉज मेरा एक कोर काम है, अगर उससे रिलेटेड कुछ कर रहे होंगे तो मैं आपको साथ साथ उसकी भी अपडेट देता जाऊँ। आज हम लोग मेरी रिहाइश पिंडी में है, और मैं पहले इवेंट मैनेजमेंट करता था, ई कॉमर्स करता था। कोविड के बाद मैं इंग्लैंड मूव हो गया, उसके बाद वापस आया और मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सी ज़मीन है जिसको हम आबाद कर सकते हैं, जो हम लोगों ने ठेकों पे दी हुई थी। तो उस पे हम लोगों ने टनल फार्मिंग स्टार्ट की। जीवन गार्लिक लगाने का प्लान था, लेकिन अच्छा हुआ नहीं लगाया, बहुत से मेरे जानने वाले भाई और रिश्तेदारों ने उसमें नुकसान उठाया। तो जब टनल फार्मिंग भी हम लोग करने लगे थे तो बहुत से लोगों ने हमें मना किया शुरू में, डराया डरुआ। बट एक दो भाई ऐसे थे सरकोदा में जिनसे मुलाकात हुई, जिन्होंने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, और उसके बाद हमने एक एकड़ से डर डर के टनल फार्मिंग शुरू की, और उसमें हमने एक एकड़ के ऊपर खीरा लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे ठीक बिजनेस जनरेट किया, और अब हम लोग 3 एकड़ के ऊपर एक्सपैंड करके टनल को ले गए हैं, और 7 एकड़ के ऊपर हम लोग ओपन वेजिटेबल्स कास्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एक शेड बनाया जिसपे हम कैटल फार्मिंग, बछड़ा फार्मिंग जो 90 डेज वाली है उसको शुरू कर रहे हैं। तो उस पर भी मैंने एक दो वीडियोज बनाई थी, उस पर इंशाल्लाह आगे डिटेल में और वीडियोज आएंगी। ये मेरा मुंशी कह लें, मैनेजर कह लें, राइट हैंड कह लें, जितनी भी मेरी ज़मीन है फलां है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ही मैनेज करता है। उसके अलावा जी हम लोग लाला मूसा की तरफ निकल चुके हैं, और इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के हम आपको दिखाएंगे कि आज हम लोग वहाँ पे क्या क्या करने जा रहे हैं, और किस चीज़ की तैयारी चल रही है, और अगस्त ख़त्म होने वाला है और अब हम उसमें क्या काश करने लगे। किसी भाई को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लहदा से बनाता हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो जो चीज़ें लोगों से सीखता हूँ, या जो जो मशवरे लोग मुझे देते हैं, या जो भी चीज़ें हम लोग डेली रूटीन के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह हम लोग अब बहुत से लोगों को इंटरव्यू भी करना शुरू करेंगे, लोगों के फार्म्स पर जाएंगे, लोगों से सीखेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे कि आप लोग भी उससे सीख सकें, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको और वीडियोस भी दिखाएंगे कि आप लोग क्या क्या लगा सकते हैं, क्या एग्रीकल्चर को किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें किस तरह से हेल्प कर रही है, क्या क्या सब्सिडियाँ हैं, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। सो इंशाल्लाह पहुंच के आपको दिखाते हैं, स्टे ट्यून्ड गाइस। सो ये हम लोगों के फार्म की एंट्रेंस है जी, ये इसके नीचे साइलेज प्रिपेयर हो रहा है, ये हम लोगों ने एक शेड बनाया हुआ है, और ये हमारे टनल के पाइप्स बिखरे पड़े हुए हैं ज़मीन के ऊपर। ये एरिया हम लोगों ने बिल्कुल कैटल फार्मिंग के लिए छोड़ दिया। पहले यहाँ पे हम लोगों ने टनल भी इंस्टॉल किया हुआ था, बट अभी इसको बिल्कुल ही हम लोगों ने कैटल के लिए छोड़ दिया है, और ये हम लोगों की चारा मशीन और एक छोटा सा स्टोरेज का वो बना हुआ। सो नया खीरा लगना है जिसके लिए हमने पाइप्स मंगवाए हैं, और उस साइड पे जितना भी एरिया है आपको नज़र आ रहा है, उस सारे के ऊपर वेजिटेबल फार्मिंग हो रही है। ये शेड है जिसके ऊपर मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसके अंदर आपको लड़कों के फ़िलहाल कपड़े भी नज़र आएंगे, लेकिन कुछ हमारे जानवर भी आपको नज़र आ रहे हैं। और इस शेड के अंदर हम लोग अपनी कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, ये लूप्स और वो सारी चीज़ें, सारी की सारी टनल फार्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पे हम लोगों का मेन वर्ज। इस एरिया में हम लोगों ने टनल इंस्टॉल किया हुआ है, 1 एकड़ के ऊपर फ़िलहाल ये टनल है, जिसके अंदर फ़िलहाल करेला लगा हुआ, आपको उसकी बेलें नज़र आ रही होंगी। अब ये बिल्कुल फ्रूटिंग की तरफ जा चुका है, और इसकी अनकरीब इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर हम चुनाई ले लेंगे। ये एरिया हम लोगों ने बाग के लिए छोड़ा हुआ है, इसमें आपको कुछ नींबू के और मिठे के मिक्स नज़र आ रहे होंगे, कुछ अनार के पौधे और कुछ आम के पौधे भी हम लोगों ने लगाए हुए हैं। सो ये तकरीबन 4 एकड़ का एरिया है। इस मिर्च के अंदर इंटरक्रॉपिंग हुई हुई है, इस बाग के अंदर मिर्च की। दूसरी साइड पे हम लोगों की 2.5 एकड़ ज़मीन जो है वो तैयार हो रही है, जिसमें हम टनल लगाने लगे हैं खीरे के लिए।
ज़मीन की तैयारी के ऊपर भी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। रूटावेटर मारना, लेज़र कराना और उसके ऊपर हल मरवाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो आज जो मेन मकसद था हमारा वो लेज़र हो चुकी थी, अब हम लोग इसमें तवे मरवा के, जिसको आप लोग डिस्क भी कहते हैं, उसके बाद रूटावेटर और हल मार रहे हैं। बिकॉज इसके बगैर ज़मीन अगर अच्छी तैयार ना हो तो फिर आपको इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं मिल सकती। सो रूटावेटर आप एक दफ़ा मरवाएं, दो दफ़ा मरवाएं, तीन दफ़ा मरवाएं, जितना आपका बजट इजाज़त देता है उतनी दफ़ा उसको मरवाएं। बिकॉज जितना बेहतर आपकी ज़मीन तैयार होगी, और आपकी ज़मीन रूटावेटर से ही तैयार हो सकती है, सिर्फ हल मारने से या सिर्फ डिस्क मार के बेड निकालने से आपको वो रिज़ल्ट ज़मीन के नहीं मिलेंगे जो रूटा मारने से या लेज़र कराने से आपको होंगे। सो ये हमारे टास्क थे।